तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैंटम स्टूडियोज। और ये वाली वीडियो होने वाली थोड़ी डिफरेंट। जो नहीं पता, जिन्हें मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा कि मेरे को बुक्स का बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ही ज्यादा। तो आजकल मैंने स्टार्ट किया है मांगास पढ़नी। तो मैं थोड़े टाइम पहले मैंने एनिमे देखना शुरू किया। अब ये मत कहना मुझे पता नहीं था, पता था, मैं देखता नहीं था, लेकिन मैंने देखना शुरू किया। तो मैंने देखा अभी तक वन पंच मैन और डेथ नोट। पता है मैं काफी नूब हूं उस मामले में, लेकिन मैंने सारे महंगे वाले देखे हैं। तो मैंने ड्रैगन बॉल पढ़नी शुरू करी है, जो मांगा है, क्योंकि मेरे को भाई बुक ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने कहा मांगा को लेंगे। तो इस टाइम कैमरा पे है लूसी 14 है। और तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने नाम का एक ऑर्डर मंगवाया है, मतलब मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया था मेरे को शॉप चढ़ा मंगवाने का। तो ये है ड्रैगन बॉल वॉल्यूम 3। मैंने पहली मंगवाई थी June 30 को, उसके दूसरी वाली वॉल्यूम आई थी, सेकेंड वॉल्यूम आई थी मेरे पास 19 जुलाई को। तो मेरा जो प्लान था कि मैंने 5 मांगा मंगवाई थी एक ही बारी में, 5 वॉल्यूम्स। तो मैं सोचा हूँ 5 वॉल्यूम्स को मैं एक ही वीडियो में अनबॉक्स करने वाला हूँ। लेकिन ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाई है, और मैंने सुना है फ्लिपकार्ट के अंदर पायरेटेड बुक्स होती है, और ये बहुत दूर से आई है, तो डैमेज हो ना हो मेरे को वो भी देखना है। तो भाई मैंने इसको बहुत वेट किया, पागल की तरह बैठ के मैं ट्रैक करता रहा कहाँ पहुँची कहाँ नहीं पहुँची। तो चलो वैसे खोलते हैं, इसकी कंडीशन देखते हैं। तो वैसे मैं हमेशा अमेज़ॉन ही प्रेफर करता हूँ। मैं ऐसे मत भी जैसे ऐसे खोल रहा हूँ, उसको मेरे को जज मत करना, मैं ऐसे ही खोलता हूँ गवारों की तरह। ओ आई थिंक आई वॉज रॉन्ग। बाहर से पैकिंग जितनी गंदी है, अंदर से उतनी बढ़िया लग रही है यार। लेकिन मेरा सच्ची मन था मैं एक ही वीडियो में 5-5 वॉल्यूम खोलूँ। तो अगली 4 हम एक ही वीडियो में खोल लेंगे। देख सकते हो यार, मैंने लिटरली बबल रैप करके भेजी है, अमेजोन ऐसा बिल्कुल नहीं करता। और ये वाली जो है ये पूरी ऑलमोस्ट इम्पोर्ट होके आई है, ये कर्नाटका से निकली है, और कर्नाटका से ये बाहर वाला एडिशन है, मतलब इंडिया के अंदर नहीं पड़ी थी, स्पेशली इम्पोर्ट हुई है बाहर से। ये सिर्फ पर्टिकुलर वॉल्यूम। अब तुम कहोगे भाई तूने फ्लिपकार्ट की उस बार प्रेफर करा कर, तुम इसे अमेजोन को लेता है। तो ये जो पर्टिकुलर वॉल्यूम थी, तो मैं कह रहा था शिप पे पूछे आ रही है, तो मेरे को अमेजोन में पूरे MRP पे थी 499 पे। तो मेरा दिमाग बताऊँ कैसा हो चुका है, कोई चीज़ 10,000 की होगी वो मुझे कम लगेगी, लेकिन यही अगर कोई बुक 250 की जगह 499 की होगी वो मेरे को महंगी लगती है। तो देख सकते हो मेरा माइंडसेट कैसा हो चुका है। तो ये पर्टिकुलर वॉल्यूम फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 350 की मिल रही थी, और डिलीवरी चार्जेस के साथ जाके भी ये 400 की मिल रही थी। तो मेरे को पूरे 100 का ऑलमोस्ट फ़र्क पड़ रहा था। तो मैंने इसलिए बस इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए वॉल्यूम 3 के लिए मैं फ्लिपकार्ट के साथ गया, और यस आई एम सैटिस्फाइड। तो चलो यार इसकी बबल रैप हटाते हैं, लूसी 14 को अपना काम करने देंगे इसके बाद। तो यहाँ थोड़ी सी टेप है, हटा देते हैं इसे। भाई मेरे को लगा नहीं था ये बबल रैप करके देंगे, क्योंकि अमेजोन से जितनी मंगवाई है किसी में बबल रैप नहीं था। और बुक को यार हम थोड़ा डिसइंफेक्ट करते हैं, ये लूसी पॉडी में भी वाइप्स लेके आ जाएगी। तो तब तक इसे सिनेमैटिक भी लेने हैं। तो भाई कुछ ओ डैम यार, अभी तक की बेस्ट कंडीशन में आई है। ओ इट्स लेजिट, देखो बढ़िया दिख रही है यार। और ये क्रिलिन है जो इस वॉल्यूम के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, ये मॉन्क इसके सर पे वो 6 बिंदियाँ टाइप बनी हुई हैं। तो ये वाली चीज़ हमेशा की तरह जो स्पाइन है, तो देखो कि हल्का हल्का रेड पार्ट यहाँ आ रहा है, तो ये चीज़ थोड़ी ख़राब है। ये सेकंड वॉल्यूम में भी यही हुआ था, बाकी यहाँ तो लिखा ही होगा कि तुम, जी हाँ, मांगास को ऐसे नहीं पढ़ते जैसे हम नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट साइड ये होती है, राइट से लेफ्ट साइड, क्योंकि जापनीज की उल्टी लिखी जाती है। और जो आर्ट वर्क होता है मांगा के अंदर, जैसे ये ड्राइंग्स हैं, कॉमिक होती है बेसिकली, जापनीज कॉमिक को मांगा कहते हैं। जिन्हें नहीं पता, मेरे को पता है तो मैं पता ही होगा, वैसे तो मैं किसको बता रहा हूँ। तो हाँ, आई एम सैटिस्फाइड विद दिस शिट। और अगली वीडियो के अंदर हम सीधा 4-4 अनबॉक्सिंग करेंगे, वो पहले आ जाएंगी। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कब तक कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि एक वॉल्यूम जैसे आएगी मंडे, फिर एक आएगी ट्यूसडे, फिर एक आएगी वेडनेसडे, एक आएगी थर्सडे, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो मेरे पे डिपेंड करता है मेरा कितना कंट्रोल है। पता चला मैंने एक एक करके खोल डाली सारी, जिस दिन आई मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया एक्साइटमेंट में, या फिर मैंने कंट्रोल कर लिया और मैं एक ही वीडियो में खोलूंगा तो वो बढ़िया हो सकती है। तो अब लूसी 14 हम लेंगे इसकी सिनेमैटिक्स। हम आ चुके हैं यहाँ पे, और मैं लूसी बॉडी में मुक्का मारेंगे। ये देखिए, ये रही मेरी बाकी कलेक्शन, ड्रैगन बॉल वॉल्यूम 1, ऊपर का कैमरा है आपको क्या, ड्रैगन बॉल वॉल्यूम 1, सेकंड वॉल्यूम ये। तो ये है दोनों वॉल्यूम्स। अब मैंने क्या नोटिस किया, तो अभी SJ देख रहे हो यहाँ पे,
ये शोनन जंप है जो वीकली कॉमिक मैगजीन होती है जापान की। तो इसका जो लोगो है यहाँ पे, ये देखो कैसा है, ये शायद पुराने वाला वर्जन है, शायद वो पुराना ऐसा था। और जो विज का लोगो है ये भी देखो इसमें कैसा रेड है, बिल्कुल नया वाला। तो ये शायद एडिशन भी पुराना है। अब मेरे को देखना तो कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, मेरे को नहीं पता भाई, वो कैसे पता चलेगा ओरिजिनल है। ठीक है, ओके, इट्स गुड, सही है। तो अब मैं तुम्हें एक बार स्पाइन दिखाता हूँ बना के, सारे बुक्स को ज्वाइन करेंगे तो एक ड्रैगन बनता है। पार्ट 7 तक एक ड्रैगन बनता है, उसके आगे करेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, देख रहे हो ये साइन कितना अजीब लग रहा है इसके साथ, और इतना अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा, व्हाट द हेल। ऐसा सा बन रहा है अभी ड्रैगन का, मुंह अच्छे से बन चुका है गाइस। तो मैंने 7 तक बनाई, मतलब ऑर्डर करवा लिए हैं, बनाई क्या मंगवाई हैं। सो ये है अभी के लिए 3 वॉल्यूम्स, ये रहा तुम्हारे सामने। तो अगली वीडियो के अंदर हम सीधा 4 अनबॉक्स करेंगे, 4, 5, 6 और 7, और पूरा ड्रैगन करेंगे कंप्लीट। ये 16 वॉल्यूम्स हैं ड्रैगन बॉल की, इसके अलावा ड्रैगन बॉल जी भी है अगली सीरीज जो उसके आगे की है। ये आज की वीडियो, और तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मज़े। तो 16 वॉल्यूम्स है टोटल और मैंने 7 तक ऑर्डर कर लिए हैं। तो भाई मेरे कंट्रोल पर डिपेंड करता है, क्या पता हमें सिंगल वीडियो देखने को मिले। और अगर तुम्हें भी बुक्स पसंद है और तुम चाहते हो वही बुक्स वाला कंटेंट वापस शुरू कर दूँ, तो ये पड़ी मेरी कलेक्शन। यार मेरी जो अलमारी थी, हमारे घर में थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो मेरे को सारी बुक्स को अलग अलग रखना पड़ा। अभी ऐसी कार्टन से पड़ी, यार मेरे को पता है बहुत ज़्यादा मेरे को अंदर दुख हो रहा है ऐसे रखी हुई है। पीछे मैं क्या ही दिखाऊँ, मेरी जान से प्यारी बुक्स के ऊपर देखो क्या हुआ है। मेरे घर में छिपकलियाँ आती भी नहीं, और पता नहीं ऐसे ही दिन क्यों आई और क्या कर गई। सो ट्रिगर्ड यार, बाय।